शुद्ध देसी किचन पे आज आपको बताने जा रहे हैं रेसिपी खेसारी का साग, जो कि बिहार में यूपी में ज़्यादातर बनता है। आज वो डिश बताने जा रहे हैं, उधर का फेवरेट डिश है ये खेसारी का साग है। खेत में से जो अपना तोड़ के लेके आता है, इसका फल देखिए फूल है, उससे दाल आज निकलता है, दाल बनता है, दाल का भी बड़ी और टेस्टी बनता है। तो इसका आज आपको धो के अच्छे से बारीक से काट लेंगे और कुकर में दो सीटी लगाएंगे, थोड़ा सा नमक डाल के सीटी लगा के इसको, जैसे पालक का आप कैसे ग्रेवी बनाते हैं ऐसे इसी तरह से ही बनेगा। राइस के साथ आप खा सकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन होता है, भोजन होता है, खा सकते हैं स्वादिष्ट। देखिए धो लिए इसको, धोने के बाद इसको अच्छे से चाकू से पूरी बारीक बारीक काट दीजिए। दो कप पानी डालिए इसके अंदर कुकर के, उसमें जो एक कटा हुआ है बारीक खेसारी का साग जिसको बोल रहे हैं आप, वो उसमें डाल देंगे तो कुछ नया देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये ज़्यादातर यूपी बिहार में मिलता है। इसमें हाफ चम्मच नमक डाल के सीटी लगा देंगे। दो खेसारी का साग रेसिपी जो बोले थे ये कुकर में डाल के अपन बॉईल कर लिए, इसको पक गया, थोड़ा ठंडा करने के बाद मिक्सी में इसको पीस लेंगे। पीस के रेडी हो गया मिक्सी में, एकदम बारीक बारीक मेहम पीस लीजिएगा, जैसे पालक बनाते हैं आप, पालक का पनीर जैसे किसको बोलते हैं उसी तरह से ये भी है, इसका टेस्ट डिफरेंट है। देखिए अपन चावल जो बनाते हैं ये उसका पानी है, तो उसको चावल जो बन जाएगा पक जाएगा उसका पानी आप मत फेंकेगा, ये इस चीज़ के लिए बचा के रखिएगा, पानी निकाल के इसमें मिक्स करने से इसका टेस्ट जो है डिफरेंट आएगा आपको। थोड़ा पतलापन जो कट है, क्योंकि राइस के साथ आपको खाना है, इसको थोड़ा सा पतला बनाना पड़ेगा। तड़का लगाने का सामग्री जो है आपको बता देते हैं, खेसारी साग का जो रेसिपी का जो है उसका आपको तड़का लगाना बता दें। एक कांदा लेंगे बारीक बारीक काट देंगे, चार पांच हरी मिर्च लीजिएगा काट लेंगे उसको बारीक बारीक, लहसुन है 10 से 12 पीस उसको बारीक बारीक काट लीजिएगा, सूखा मिर्ची है अखा वो लीजिएगा, तेज पत्ता है 2 स्पून के ऊपर ऑयल लीजिए, कढ़ाई गर्म है तो उसके अंदर पहला जो है लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल दीजिए, सूखा मिर्ची, तेज पत्ता, हल्का फ्राई हो जाए ये तो हींग जो है वो डाल देंगे 1 टीस्पून, उसके बाद कांदा चॉप्स किया हुआ है बारीक बारीक वो डाल देंगे कटा हुआ, तो अच्छे से फ्राई कर लीजिए कांदा को, एकदम लाल फ्राई हो जाना चाहिए। मसाला फ्राई हो गया तो 1/2 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, इसके अंदर आपको खेसारी का साग तड़का डाल के रेडी है। तो शुद्ध देसी किचन पर जाइए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए, तरह तरह के पकवान देखते रहिए और सीखिए और फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करते रहिए।